हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं कि आप ग्रो ऐप में बैंक निफ्टी ऑप्शन में कैसे आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सभी चीज़ आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ताकि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना ग्रो का मोबाइल ऐप मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। तो ग्रो का मोबाइल ऐप लॉगिन करने के बाद पे आपको जैसे देख सकते हैं ऊपर में निफ्टी, बैंक निफ्टी ये दिख रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकर्स, ये पूरा इंडेक्स आपको यहाँ ऊपर में दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स, तो आपको जो भी इंडेक्स चाहिए वो सभी इंडेक्स को आप देख के आप यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो पर आपको मैं बैंक निफ्टी में आपको बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बैंक निफ्टी को मैं क्लिक करता हूँ, बैंक निफ्टी को क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, वन डे, वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, फाइव ईयर, ये पूरा लाइन से चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप कैंडल लेते हैं, कैंडल लेते हैं तो ये पूरा कैंडल दिखेगा आपको। ठीक है, कैंडल के बाद पे यहाँ पे जैसे मैं चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ से मेरा ये चार्ट पूरा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, ये चार्ट पूरा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर डालना है चार्ट में, आप यहाँ से आप इंडिकेटर डाल सकते हो। पूरा इंडिकेटर का भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जैसे इसको देखिए, ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को मैं 3 मिनट या 5 मिनट रखना चाहता हूँ तो 5 मिनट रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तो ये जो कैंडल जो बन रहा है ना, ये उसी के हिसाब से बनता है। तो ये अभी मैं नॉर्मल कैंडल कर लेता हूँ, अभी ये हैकी नाची था, इसको मैं जैसे मैं देखिए नॉर्मल कैंडल कर लिया मैंने, उसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये एक एक कैंडल जो है ये 5-5 मिनट का कैंडल है ये। तो पहले यहाँ पे अगर इसको आपको टाइम फ्रेम बढ़ाओगे, 10 मिनट करोगे, तो ये एक एक कैंडल जो है ये 10-10 मिनट का बन गया। तो ये क्या होता है कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको आप चेंज करके अपने हिसाब से आप रख सकते हो, लेकिन जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है वो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो कैंडल बनता है सुबह 9:15 से चालू होता है। जैसे ये देखिए 9:15 दिख रहा है, 9:15 का ये 15 मिनट में बना कैंडल एक। फिर उसके बाद में अगला जो कैंडल बना वो 15 मिनट का, उसका अगला कैंडल जो वो 15 मिनट का, उसका अगला कैंडल 15 मिनट का, जो भी कैंडल बनता है वो 15-15 मिनट का बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एफएक्स दिया है, एफएक्स में आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है, जैसे एमएससीडी लगाना है आप एमएससीडी लगा सकते हो, जैसे आपको आरएसआई लगाना है तो आरएसआई इंडिकेटर लगा सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है वो इंडिकेटर आप यहाँ से लगा सकते हो। लगाने के बाद में आप यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर लगाने के बाद पे अब हम यहाँ पे चलते हैं बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप ऑप्शन चेन को क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर नीचे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से भी क्लिक करके आप ऑप्शन चेन को आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद पे ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला साइड पूरा आपका कॉल ऑप्शन है, और यह वाला जो है ये पूरा आपका पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। अब कॉल ऑप्शन में ये वाला जो, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, और ये पुट ऑप्शन वाला ये साइड वाला को हम बोलते हैं प्रीमियम। अब यहाँ पे देखिए बीच का जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइज। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्राइक प्राइज है आपका, और ये जो प्रीमियम है इस साइड वाला को हम बोलते हैं इन द मनी कॉल साइड का, पुट साइड का ये इन द मनी है। बीच का ये जो दो लाइन है, ये जो दिख रहा है ये जो बीच का जो एक ऊपर एक नीचे, ये आपका एट द मनी है, और इसके जो नीचे है ये आउट ऑफ द मनी है, और ये आपका आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट होता है, इन द मनी ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी, बीच का एट द मनी। तो कभी भी आप ट्रेड करोगे ना तो आप एट द मनी में ही ट्रेड करिए। ये जो बीच का जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये बीच के लाइन में एक ऊपर या एक नीचे आप ट्रेड करिएगा, एट द मनी में ही आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब कब होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो जो ये देखिए ये 29 हर वेडनेसडे को इसका एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, डेट 29th को इसका फरवरी का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखेंगे 29 फरवरी को है, फिर उसके बाद और मार्च 6 को है। देखिए यहाँ पे हमको हमारा जो एक्सपायरी होना था वो होना था 28 को, वेडनेसडे को, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो वेडनेसडे को होता है। लेकिन जो महीने का जो लास्ट एक्सपायरी जो होता है वो लास्ट थर्सडे जब पड़ता है तभी होता है वो।
जैसे कि हमारा जो एक तारीख था बैंक निफ्टी का, ये वेडनेसडे को होना चाहिए था 28 फरवरी को, लेकिन इसका जो लास्ट थर्सडे पड़ रहा था वो आपका 29 को पड़ रहा था, तो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 29 फरवरी को होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं और डेट देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फरवरी के बाद मार्च करता हूँ, अगला देखिए मार्च 6, कि आप देखेंगे ना मार्च मंथ का जो एक्सपायरी है ये 6 मार्च को है, फिर 13 मार्च को, फिर 20 मार्च को, 28 मार्च को। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए मार्च में ये आपका 6 मार्च हो गया, देखिए ये 6 मार्च वेडनेसडे को एक्सपायरी, अगला एक्सपायरी 13 मार्च, उसके बाद का एक्सपायरी 20 मार्च, फिर जो लास्ट थर्सडे जो पड़ रहा है हमारा वो 28 मार्च है, तो इसलिए हमारा जो एक्सपायरी है वो 28 मार्च को है, नहीं तो हमारा जो एक्सपायरी होता है वो 27 को होता, क्योंकि ये लास्ट थर्सडे हमेशा पड़ रहा है, इसीलिए लास्ट थर्सडे को हमेशा जो पड़ेगा उसी में आपका एक्सपायरी होगा। तो ये कभी आप ये मत सोचिएगा, बहुत सारे लोग चेक नहीं करते, वेडनेसडे के दिन होता है, वेडनेसडे के दिन सोचते हैं तो वेडनेसडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, लास्ट थर्सडे को आपका जो रहता है लास्ट थर्सडे को ही होता है लास्ट वीक का, तो हमेशा आप चेक करते रहिएगा, कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको ऊपर में दिख जाएगा ना एक्सपायरी का डेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने आपको प्रीमियम बता दिया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन और इसका एक्सपायरी बता दिया, और इसका जो टाइमिंग रहता है बैंक निफ्टी में, आप इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी मार्केट का जो टाइमिंग रहता है सेम रहता है, सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक, तो दोपहर के 3:30 बजे तक रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3:30 बजे तक पूरा होल्ड करके रखोगे, अगर आपने किसी चीज़ को बाय किया है तो आप दोपहर के 3:15 से 3:20 तक आप एग्जिट कर देना, अगर आप 3:20 तक आप एग्जिट नहीं करोगे किसी भी शेयर्स को आपने बाय करके रखा हुआ है, तो एक्सचेंज आपका प्रॉफिट में रहो चाहे लॉस में रहो वो आपको ऑटोमेटिक सेल कर देगा, तो यहाँ पे आपको कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर आप सेल नहीं करते हो तो, ठीक है, तो आप सेल कर दीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉफिट में रहो चाहे लॉस में रहो, एक्सचेंज आपको ऑटोमेटिक आपको 3:20 के बाद में आपका ऑर्डर सेल कर देगा। अब यहाँ पे देखिए इसका लॉट साइज का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितना पैसा लगेगा अगर आप एक लॉट में आप ट्रेड करते हो, तो इसको जानने के लिए जैसे कि यहाँ पे एट द मनी पे मैं यहाँ पे, चलिए 356 को मैं क्लिक करता हूँ, बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब इंट्राडे और डिलीवरी आ रहा है, तो मैं इंट्राडे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे मेरे को ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक लॉट में 15 का क्वांटिटी होता है, वन लॉट में 15 का क्वांटिटी होता है, अब इसको आप मार्केट में लेना तो मार्केट में ले सकते हो, लिमिट में लेना है तो लिमिट में ले सकते हो, मार्केट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 349 चल रहा है यही करंट शेयर प्राइस में आपका बाय होगा, ये जो प्राइस दिख रहा है आपका बैंक निफ्टी का 29 फरवरी का 46,400 कितना है, 46,400 का स्ट्राइक प्राइस 352 में आपका बाय होगा यहाँ पे मार्केट प्राइस में, अगर आप मार्केट लेते हो तो। अभी मेरे डीमेट अकाउंट में बैलेंस 571 रुपीज़ है, बट यहाँ पे अप्रॉक्स मार्जिन जो रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये ऑर्डर मेरा अभी नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे मान के चलिए मैं दो क्वांटिटी करता हूँ, ठीक है, एक क्वांटिटी करूँगा तो मेरे को 5,000 रुपये का लगेगा एक लॉट में लेता हूँ, तो दो लॉट में लेता हूँ तो मेरे को 11,000 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दो लॉट इंटू 15 किया मतलब ये कितने का, 15 का क्वांटिटी है, ये 15 का लॉट साइज है, 15 का क्वांटिटी है, एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं जैसे ही मैं बाय बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा, लेकिन मेरे में फंड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे दूर का कोई स्ट्राइक प्राइस को मैं यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, जैसे कि मैं 2 रुपये वाला देख लीजिए, ठीक है, 2 रुपये 35 पैसे को मैंने क्लिक किया, बाय बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं इंट्राडे कर लेता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना रुपये लगेगा, मान के चल लीजिए इसको मैं एक क्वांटिटी करता हूँ तो 65 रुपीज़ ओनली लगेगा मेरे को, ठीक है, अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको मार्केट को मैं लिमिट कर देता हूँ, लिमिट में एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जैसे 2 रुपये 35 पैसा चल रहा है, मैं 2 रुपये करके यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप पोजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर पे देखिए, ऑर्डर पे ये दिख रहा है, ये ऑर्डर लगा नहीं है ना अभी, ये पेंडिंग है, ऑर्डर क्यों पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट अभी 2 रुपये 25 पैसा चल रहा है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है 2, तो लिमिट ऑर्डर का मतलब यह है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरेगा, 2 रुपये 25 पैसा से नीचे गिर के 2 को टच करेगा तभी ये आपका बाय होगा, नहीं तो ये आपका बाय नहीं होगा। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो इसको आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करिए, अभी ये 2:30 चल रहा है, तो काम करिए 2 रुपये 10 पैसा आप डाल दीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये नीचे गिरेगा ना
225 से नीचे गिर के 2 रुपये 10 पैसे पहुंचेगा, तब ये आपका बाय होगा। तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ, चलिए अभी कैंसिल बटन पे क्लिक किया, कैंसिल कर देता हूँ मैं, डन। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा अभी कोई ऑर्डर नहीं है, ये मेरा सब ऑर्डर ये मेरा कैंसिल हो चुका है। इसको मैंने बाय कर दिया क्या? नहीं, ये देखिए ऑर्डर कैंसल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैंक जाते हैं, फिर दोबारा से मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करता हूँ, ओपन चेन पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको आपको मार्केट में आपको बाय करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए 2 रुपीज 3 रुपीज वाला को मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ। मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में अभी कितना चल रहा है, ये इंट्राडे पे 3 रुपीज 15 पैसा चल रहा है। तो मैं इसी पे आपको मार्केट में बाय करूँगा। तो अगर मैं मार्केट में लूँगा तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ सिर्फ 80 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं बाय कर लेता हूँ, बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं डन बटन पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मेरा ये बाय हो चुका है 3 रुपीज़ 20 पैसा, ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और एवरेज यहाँ पे 3 रुपीज़ 20 पैसा है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस बटन पे क्लिक किया, अब स्टॉप लॉस कितना लगाऊँ, मैंने यहाँ पे 3 रुपीज़ 20 पैसे पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जैसे 2 रुपये का लगा देता हूँ और सेल बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, डन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरेगा, 3 रुपीज़ 20 पैसे पे मैंने बाय किया, जब ये नीचे गिरेगा, नीचे गिर के जब 2 रुपये आएगा ना, तब ये स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो ये जो बैंक निफ्टी का जो पुट ऑफ सॉरी कॉल ऑप्शन लिया 51,500, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अभी आया नहीं है, तो इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई जैसे 2 रुपये 50 पैसा कर लिया मैंने, फिर यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया और डन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 रुपीज़ 20 पैसा में लिया था, अभी यहाँ पे ये 2 रुपये 50 पैसा जब जाएगा तभी ये मेरा सेल होगा और सॉरी ऑर्डर प्लेस होगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको कैसे लगाना ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए ये तभी मेरा सेल हो जाएगा और मेरा जो लॉस होगा यहाँ पे थोड़ा सा ही लॉस होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो लॉस को कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। अब मैं ये ऑर्डर को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल बटन पे क्लिक किया, कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है। अभी आप पोजीशन पे देखिए, एक ही पोजीशन दिख रहा है आपको, अभी देखिए ये ऊपर जा रहा है। 320 में आपने बाय किया तो 3.25 चले गया, तो ऊपर जा रहा है, तो 0.75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद पे अगर मेरे को एग्जिट करना है, ठीक है, तो एग्जिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद पे अगर मैं यहाँ पे लिमिट करके लिमिट डाल दूंगा, यहाँ पे मान के चल लीजिए यहाँ पे मैं लिमिट डाल देता हूँ 4 रुपये का, तो ये 4 रुपये डालूंगा, सेल बटन पे क्लिक करूंगा, डन करूंगा। तो जब ये 3.25 से 4 जाएगा तब ये मेरा सेल होगा, ये तब तक ये ऑर्डर लगे रहेगा। अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको मैं लिमिट ऑर्डर पे को हटा के मैं मार्केट करता हूँ, ठीक है, मार्केट करता हूँ। यहाँ पे अब मॉडिफाई सेल बटन पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई सेल बटन, और यहाँ पे मैं डन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, ओके ये हो गया सेल, ठीक है, ये मेरा हो गया सेल हो गया। देखिए मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने इसको बाय मिस्टेक क्लिक करके सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ये हो चुका है सेल, ऑर्डर स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आप टारगेट लगा के इसको आप सेल कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज पार्ट, ठीक है। तो ये जो आपने मैंने जो ट्रेड लगाया इसमें आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज के लिए ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद में चार्जेस पे क्लिक करिए, चार्जेस पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो 20 रुपीज़ ही लगेगा आपका बाइंग का, 20 रुपीज़ लगेगा आपका सेलिंग का। अब यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज का यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख सकते हैं एसटीटी चार्ज लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, सीबी टर्नओवर चार्जेस, डीपी चार्जेस, ये सभी चार्जेस आपको, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज, ये सभी चार्जेस आपको लगेगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि टोटल हमको ब्रोकरेज कितना लगेगा, उसके लिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर क्लिक करिए। ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद पर यहाँ पर आप फ्यूचर ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का क्वांटिटी कितना था, 15 का लॉट साइज था, ठीक है, एक क्वांटिटी था 15 का, तो यहाँ पे एक लॉट था 15 का, तो मैंने 15 किया।
और जैसे मान के चल लीजिए अगर आप 100 रुपये का कोई प्रीमियम को खरीद रहे हो और आप 150 में बेच रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना लग रहा है। देखिए पैसा P&L 750 रुपये का प्रॉफिट, टोटल चार्जेस 47 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए चार्जेस को 40 रुपीज़ ग्रो का चार्जेस, 20 रुपीज़ बाइंग, 20 रुपीज़ सेलिंग, 40 रुपीज़ हो गया। और नॉन ग्रोथ चार्जेस, ये जो पूरा चार्जेस है ये एक्सचेंज का चार्जेस रहता है, ग्रो का चार्जेस नहीं रहता। ठीक है, तो STT चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, CB टर्नओवर चार्जेस, GST, ये सभी चीज़ों को लगा के आपका ये पूरा ब्रोकरेज चार्जेस जो 47.31 था ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 702 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आप जितना क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को यहाँ से आप डबल कर करके आप चेक कर सकते हो आप कौन से प्रीमियम में। अगर दो क्वांटिटी ले रहे हो, मान के चल लीजिए कि आप यहाँ पे 200 रुपीज़ का बाय कर रहे हो और यहाँ पे आपको 250 का यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना रुपये लगता, कितना प्रॉफिट होता, कितना का ब्रोकरेज लगता, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो ऐप में आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है। और जैसा कि आपको बता दूं मैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए ना, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रो का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आपको पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो और यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का ई बुक हो गया, चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ये चार्ट पैटर्न का ई बुक है, ये भी चार्ट पैटर्न का ई बुक, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का ई बुक बिल्कुल फ्री मिल जाएगा ना आपको। इसका जो लिंक है मैं आपको अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके ये PDF बुक आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज फॉर बिगनर का वीडियो ये पूरा अपलोड किया हुआ है, तो ये वीडियो को जाके आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस से पूरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, इसका भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप ये वीडियोज का प्लेलिस्ट पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको बना के देंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।